चांदा जेल में सजायाफ्ता बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि बीते गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार और उनके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए, जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जहां कोर्ट ने दोनों को 10 साल की सजा सुनाई, तो वहीं कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। देर से ही सही मगर इंसाफ मिल गया। अजय राय जी, आज एक आपको बड़ी सफलता मिली है, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जो है सजा करार कर दिया है, क्या कहना है इस पे? देखिए, मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ। न्यायपालिका का को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज 27 साल पुराने मुकदमे में हमारे बड़े भाई की जो हत्या हुई थी, उसमें गैंगस्टर लगा था गाजीपुर से, उसमें 10 साल की सजा सुनाई है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अकेला 5 मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए थे जो गैंग चार्ट में, चारों मुकदमे में बाइज्जत बरी हो गए, तो एक अकेला मुकदमा था जिसमें मैंने गवाही किया था गाजीपुर जाकर, उसमें इनको सजा। बता दें कि साल 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर कुल 5 मामले दर्ज हुए थे। उन्हीं में से एक मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 10 साल की सजा सुनाई है। अब आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत वो कौन कौन से मामले दर्ज हुए थे। मुख्तार अंसारी पर 5 गैंगस्टर एक्ट का मामला। राजेंद्र सिंह हत्याकांड का केस वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज है। वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड का केस थाना कोतवाली गाजीपुर में दर्ज है। अवधेश राय हत्याकांड का मुकाबला वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज है। कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड का मामला मुगलसराय थाना में दर्ज है। गाजीपुर में एडिशनल एसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का भी आरोप है। मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर साल 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जो काफी समय से कोर्ट में लंबित था। पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था, लेकिन अचानक जज का तबादला हो जाने से फैसला आने में देर हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुल्तानपुर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। की टीम लेकर के रवाना हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल के साथ उसको कोर्ट में पेश किया गया और अब यहां से लेकर के रवाना हो रही है। हालांकि मुख्तार अंसारी के गाड़ी में जा रहा है। मुख्तार अंसारी के वकील हमारे साथ मौजूद है, ये बताए। बैठो भाई, जल्दी बैठो, थोड़ा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।